हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रिवीजन कर रहे थे और आज हम ऐसे 350 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये वाला ऐसे कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ मेरे लेक्चर्स पे व्यू तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लाइक इतने नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, लाइक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये एक ओनली मोटिवेशन है जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लिए लेक्चर्स लाने के लिए। मुझे लगता है हाँ, सबको पसंद में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। अगर हम इसके नाम को, इस स्टैंडर्ड के नेम को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मतलब कि एक एंटिटी के अंदर आइडेंटिफाई करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को और असेस करना। ठीक है, कैसे? तो थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर का इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि एंटिटी के अंदर उसका जो एनवायरमेंट है, उसका जो इंटरनल कंट्रोल है, एंटिटी कैसी है, इन सबको देखते हुए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को वो आइडेंटिफाई और असेस करता है। ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर मिस स्टेटमेंट बोला है मतलब इसमें फ्रॉड और एरर दोनों ही इंक्लूड होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो सकता है और असर्शन लेवल पे हो सकता है। असर्शन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी गई जो हर एक टर्म है उसको हम असर्शन बोलेंगे यहाँ पे। तो असर्शन लेवल पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस करने का काम है वो ऑडिटर करेगा थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब हम बात करें कि जो ऑडिटर है वो किसे एंटिटी के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करने के लिए क्या क्या करेगा। तो उसके लिए वो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, मतलब रेशियो एनालिसिस कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, ऑब्जर्वेशंस कर सकता है, मैनेजमेंट से पूछ सकता है। इसके अलावा अगर प्रीवियस ऑडिट से रिलेटेड उसके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है या एक्सपीरियंस है तो उसको यूज कर सकता है। अदर प्रोसीजर्स उसको लगता है कि लगानी चाहिए तो वो लगा सकता है। इसके अलावा उस एंटिटी ने खुद ने रिस्क को असेस करने के लिए या रिस्क को कंट्रोल करने के लिए या इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए क्या प्रोसीजर्स लगवाइए, उनको चेक कर सकता है। उसको उनसे भी एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो इसको कैसे देखेगा ऑडिटर, मतलब एंटिटी को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो देखेगा एंटिटी के ऊपर कौन से लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं, उसका एनवायरमेंट कैसा है और कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उसके अंडर में आती है, जैसे वो बैंक है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि इंश्योरेंस कंपनी है। तो पहले सबसे पहले देखिएगा लॉ एंड रेगुलेशंस कौन से एप्लीकेबल हो रहे हैं, फिर उस एंटिटी का नेचर क्या है, मतलब वो AOP है, BOI है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो क्या है, ये देखेगा। ठीक है, इसके बाद में उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट जो पैसा लाया गया है, फाइनेंस किया गया है, वो कहाँ कहाँ से किया गया है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया गया है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज है जिसमें वो डील करती है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कैसी है, पॉलिसीज कौन सी फॉलो की गई है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, तो ये सब देखेगा। ठीक है, डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, इन सबको देखने से उसको एक आइडिया हो जाएगा उस एंटिटी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरनल कंट्रोल्स की। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो किसी भी एंटिटी के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट हो गया, परचेस डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इन सब डिपार्टमेंट के बीच के अंदर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, इसके अलावा जो अकाउंटिंग की जा रही है और जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, उसमें कौन कौन सी प्रोसीजर्स लगाई गई है रिस्क को रोकने के लिए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रोकने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या होता है, तो इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या होता है, सबसे पहले हम देखें कि लॉ एंड कंप्लायंसेस को फॉलो किया गया है, ये देखना, इसलिए इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं। दूसरी बात, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी के अंदर वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है, ये एंश्योर करना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल है, असेट्स का मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा, तो ये होते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
इंटरनल कंट्रोल के अंदर कुछ क्या होती है, इसकी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है. इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है, जो इंटरनल कंट्रोल है वो मैनेजमेंट लगाते हैं तो उस केस में कल्यूजन हो सकता है. मतलब सब मैनेजमेंट मिलके ही कुछ फ्रॉड कर दे या फिर इंटरनल कंट्रोल ही ना लगाए जानबूझ के, तो ऐसा हो सकता है. इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही कम होंगे तो सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर. इसके अलावा कुछ ह्यूमन एरर हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन बींग है, तो उसकी जो ह्यूमन एरर है वो हो सकती है. ठीक है, तो ये कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है इंटरनल कंट्रोल की. इनहेरेंट मतलब वो उसके अंदर ही होती है, उसके अंदर लिमिटेशन होती है इंटरनल कंट्रोल में पहले से ही, उसका नेचर ही ऐसा है. ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल में बेसिकली क्या आ गया, कंट्रोल एनवायरमेंट. मतलब कि वहां पर ऑनेस्टी का एनवायरमेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. कंट्रोल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जा रही है उसमें भी इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए. और इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर भी, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है उसके अंदर भी, और साथ ही साथ ये जो भी कंट्रोल्स है ऑपरेशन है उनके ऊपर भी, जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज है तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, कंट्रोल एनवायरमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. तो ये मैंने पहले ही बताया आपको कि एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को भी देखना होता है कि उस एंटिटी ने रिस्क को असेस करने के लिए कौन सी प्रोसीजर लगाई है. ठीक है, तो बस यहां पर जो ऑडिटर है वो क्या है कि इंटरनल कंट्रोल को चेक करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके ऑडिट से रिलेटेड जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो उस कंट्रोल्स को देखेगा और चेक करेगा और रिस्क को असेस करेगा. यहां पर ऑडिटर का पर्पज सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा करके और रिस्क को असेस करना होता है. ठीक है, तो रिस्क असेस करने के लिए प्रोसीजर लगाई जा रही है, इसलिए हम उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या आरएपी बोलते हैं. ठीक है, आरएपी के अंदर वही सब आता है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरीज, जो हमने स्टार्टिंग में रीड की थी. मैं आपको नेम मेंशन करना भूल गई थी वहां पे, आरएपी. ठीक है, तो ये लगा करके वो रिस्क को असेस करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो आगे डिसाइड करेगा कि ऑडिट को कैसे करना है कंडक्ट. अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगी तो वहां पर वो डिटेक्शन रिस्क कम रखेगा, और अगर कम होगी तो ज्यादा रखेगा. कुल मिलाकर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. इसके साथ ही हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में. थैंक यू.